गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी और आज फिर से मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेल्पफुल वीडियो लेके आ गई हूँ। जो कि आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपके बाल बहुत पतले हल्के हैं, अगर आप शादीशुदा न्यू मैरिड गर्ल वुमेन हो तो पतले हल्के बालों में आप ये हेयर स्टाइल बनाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा और बहुत ही स्टाइलिश भी लगेगा, तो आप ट्राई जरूर कर लेना। चलिए वीडियो को ज़्यादा बातें ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस हेयर स्टाइल के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने बालों में एक पोनी बनानी है। तो आप अगर सेंटर पार्टीशन, मिडल साइड पार्टीशन जैसे भी रखना चाहो आप रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं रखा है और सिंपली इस तरीके से कॉम कर रही हूँ बालों को और एक हाई पोनी बना लूँगी। आप नई नवी दुल्हन है, आपको सिर पे हमेशा पल्ला रखना है, तो आप ये हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितने भी पतले हल्के बाल हैं, लंबे हैं, घने हैं, सब पे ये हेयर स्टाइल सूट करेगा। और एक क्लचर की मदद से है, पतले हल्के बालों में एक क्लचर की मदद से नई नवेली न्यू मैरिड वुमेन्स ये हेयर स्टाइल ट्राई जरूर कर सकते हैं। इस तरीके से बालों को खींच लेंगे, इससे क्या होगा कि थोड़ा बालों में वॉल्यूम आ जाएगा एंड फ्रंट का जो लुक है वो भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बालों को कर लिया है, देन बालों को टू पार्टीशन में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। ओके, टू पार्टीशन में डिवाइड करने के बाद से इस तरीके से सेंटर में जस्ट क्लचर को ऐड कर देंगे। इस तरीके से ओके, उसके बाद आपको सिंपली जो इस साइड के हेयर हैं इनको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन आपस में ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करने के बाद से फ्रंट से लेके जाएंगे, बैक साइड से लेके आएंगे और इस तरीके से यहाँ पे आप क्लचर में इसको ऐड कर लीजिए। आपको अलग से पिन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, अगेन दूसरी साइड के हेयर को भी सेम तरीके से आपको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन ट्विस्ट कर लेना है। पतले हल्के छोटे बाल हैं तो भी आप हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, न्यू मैरिड वूमेन हो तो, और सिर पे पल्ला रखना है तो आप ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। तो इस तरीके से करने के बाद से अगेन फ्रंट से इसको लेके जाएंगे बालों को और अंदर की तरफ से इंसर्ट करते हुए लास्ट पॉइंट को क्लचर के अंदर दबा देंगे। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप यहाँ पे यू पिंस ऐड कर सकते हो जिससे कि आपका हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। एक यू पिन इधर भी ऐड कर दीजिएगा, जब इधर ऐड कर लिया तो इधर भी एक ऐड कर लो। और ये आपका हाई बन बन के रेडी हो गया है, जो कि पतले हल्के बालों में एक क्लचर की मदद से काफ़ी ब्यूटीफुल सा सुंदर सा हेयर स्टाइल बन के आपका रेडी हो गया, हाई बन हेयर स्टाइल। तो जो भी नई नवेली दुल्हन है उनको ये हेयर स्टाइल शेयर कर दीजिएगा। और आपको सिर पे पल्ला भी रखना है तो आप इस तरीके से, आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, अगर आपने जींस टॉप वगैरह भी पहना है तो भी ये हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो, और आप नई नवेली दुल्हन हो तो भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ तक आपको पल्ले को रखना है, आप अपने अकॉर्डिंग पल्ला को सेट कर लीजिएगा। मैं ज़्यादातर अगर मतलब अपने गांव में निकलती हूँ तो इतने पे पल्ला रखती हूँ एंड यहाँ पे आपको यू पिन से अपने पल्ले को सेट कर देना है। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हल्का सा, और साड़ी में इस तरीके से पिन को लगाना है। आज हम लोग के गांव में ग्राम पंचायत वाला चुनाव है तो मुझे भी जाना है बाहर, तो इस तरीके से आप पिनअप कर सकते हो, और जिससे कि आपका पल्लू जो है वो अपनी जगह पे टिका रहेगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल भी, और आप अपना रेडी हो कहीं भी जाने के लिए। तो आई होप कि ये उन सभी वुमेन्स के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी जो कि नई नवेली हैं एंड बाहर जाते वक्त उनको काफ़ी दिक्कत होती है, पल्ला रख के कहीं जा रही हैं या फिर न्यू न्यू मैरिड हुई है, आप कोई जॉब करते हो तो आपको पल्ला रख के निकलना पड़ता होगा, तो आप इस तरीके से पिनअप कर लोगे तो आपका पल्ला भी नहीं हिलेगा एंड आप बहुत कम्फर्टेबल रहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी इस तरीके की वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।